इट इज नॉन एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड यानी जो हमारे इलास्टिसिटी है इसमें इलास्टिसिटी में डिमांड में ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है इसको टू प्राइस इट परसेंटेज चेंज इन डिमांड राइट यानी यहाँ पर हमें डिमांड में कुछ ज्यादा ही चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इतनी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं लेकिन जो प्राइस है उसे मात्र इतनी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इसे हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड यानी कि डिमांड के कंपेरिजन में प्राइस में कम चेंजेस आना इसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और इसे हम डिनोट करते हैं ई इज ग्रेटर देन वन यानी ई इज ग्रेटर देन वन क्या है तो इलास्टिसिटी डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन One, it is known as relatively elastic demand, right?